एक बार फिर से आप सभी के बीच में आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। जैसा कि पहले जो द्रव्यगुण और द्रव्यगुण विज्ञान का जो टॉपिक मैं लेकर के चला था, जिसमें तीन औषधियों के बारे में डिफाइन किया था, सेम उसी तरह का एक टॉपिक आप सबके बीच में लेकर के आया। उसी का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें मैं एक मेडिसिन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि किस पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे सकते हो, कितनी मात्रा देनी है, कैसे इसका निर्माण करेंगे और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो में जाने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको आयुर्वेद से जुड़ी जितनी भी नॉलेज है, आयुर्वेद से जुड़ी जितनी भी नॉलेज है वो तो मिलेगी, साथ में जो मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में आपको कंफ्यूजन है किसी चीज के बारे में या किसी दवा के बारे में कंफ्यूजन है, सारी जो भी कंफ्यूजन है मैं यहाँ पे क्लियर करना करते जाऊंगा। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चिकित्सा जगत के से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, और जो जीएनएम के स्टूडेंट है, जो डी फार्मा के स्टूडेंट है, उनकी क्लासेस भी यहाँ पे बारी बारी से चलती रहेंगी और चल भी रही है। तो डी फार्मा के जो स्टूडेंट है उनकी क्लास का एक टॉपिक भी है द्रव्य परिचय का, द्रव्य गुण विज्ञान का, और एक ये औषधि निर्माण की विधि भी आ जाएगी, और दूसरी ये कि औषधि निर्माण करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इस औषधि को निर्माण कैसे करेंगे। तो जैसे तीन औषधियां मैंने बताई थी पहले वीडियो में, उसी तरह से ये नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो का, और उस जो इसमें बस एक औषधि के बारे में बताएगा और इसका बेनिफिट्स वगैरह मैंने बताया। तो चलते हैं कि कौन सी औषधि है और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पे जो मैं औषधि आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया हूँ, जो आयुर्वेदिक दवा है वो है पतंजलि की संजीवनी बट्टी है। कौन सी दवा है? पतंजलि की संजीवनी बट्टी। जैसा नाम वैसा काम है, जैसे बट्टी लिखा हुआ है तो ये भी गोलियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो संजीवनी बट्टी का काम क्या है? तो मेन जो इसका काम है ये विषधर है। क्या है? विषहर है, विषधर नहीं विषहर है, मतलब कि विष को हरने वाली औषधि है। तो जो भी विष है वो इसको हरण कर लेती है, तो इसलिए इसको विष के रोगियों को ज्यादा दिया जाता है, उस पे विष के पेशेंट को आप दे सकते हैं। बाकी इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है, किसी पेशेंट को बार बार बुखार हो रहा है, टाइफाइड है, नहीं सही हो रहा है, तो उस पेशेंट को भी आप ये दे सकते हैं। किसी को मूत्र रोग है उसमें दे सकते हैं, पेट में गड़बड़ी है, उल्टी है, दस्त है, इतनी तरह की समस्याएं आप उसमें पतंजलि की संजीवनी बट्टी को दे सकते हैं। इसकी जो खुराक है उसका उसकी जो मात्रा है 125 मिलीग्राम है। कितनी है? 125 मिलीग्राम। लेकिन पेशेंट को देने से पहले किसी भी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर से आप इसको पूछ करके ही पेशेंट को देंगे। वैसे आप अपने घर में रख सकते हो, और बुखार में, उल्टी में, दस्त में पेशेंट को आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार मात्रा आप दे सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसका अनुपान क्या है। तो अनुपान मतलब कि आयुर्वेद में जो भी औषधि जो द्रव्य है किसी न किसी चीजों के साथ दिए जाते हैं तो उनको हम अनुपान कहते हैं। तो इसका अनुपान जो है अदरक का रस है, अदरक के रस के साथ आप इसको दे सकते हो। और दूसरा अनुपान इसका हल्का गर्म पानी, हल्के गर्म पानी के साथ भी इसको दे सकते हैं। मेन जो टॉपिक है और मेन जो पॉइंट है वो फोकस किया गया कि इसको इसका औषधि निर्माण करेंगे कैसे। तो औषधि निर्माण के लिए जितनी भी चीजें मैं मेंशन करूंगा आप टॉपिक वाइज उस चीज को नोट कर लीजिएगा, और मार्केट से आप उसको ले सकते हैं, आप घर पे भी इस औषधि को बना सकते हैं, लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली जो औषधि है वो विडंग है। विडंग ये फल है, इसका एक भाग आपको लेना है। दूसरी औषधि जो है नागर, जिसको हम सुंठी बोलेंगे, आपको फिगर भी साइड में दिख रहा होगा, जैसे विडंग फल है यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, पहचान लीजिएगा, मार्केट से आपको मिल जाएगा। फिर नागर सुंठी, उसका कंद, कंद मतलब जड़ नहीं होता है, जो शकरकंद है उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे फिगर दिख रहा है, उसका भी एक भाग आपको कृष्णा पिपली फिगर सामने है, एक भाग उसका, सबके फिगर बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं। और फोर है पथिया हरित की फिगर सामने है, उसका फली चाहिए। आमला फल एक भाग यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिभीतक फल उसका भी एक भाग यहाँ पे सामने है, वच इसका भी कंद एक भाग फिगर सामने है, गुड़ुची का तना चाहिए, एक भाग गुड़ुची का तना चाहिए। फिर उसके बाद से आपको चाहिए वत्सनाभ, वत्सनाभ जिसको विष बोलेंगे, उसका मूल कंद चाहिए, मूल मतलब कि जड़ वाली कंद आपको चाहिए, वो भी एक भाग ही चाहिए। फिर आपको चाहिए भल्लातक
भल्लातक शुद्ध चाहिए, उसका भी फल फिगर सामने है, उसका भी एक भाग चाहिए। फिर आपको गोमूत्र लेना है, गोमूत्र लेकर के सबका एक एक भाग लेकर के सभी को एक चूर्ण की तरह आपको बना लेना है, और फिर गोमूत्र मिला करके मर्दन करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके आपको कांच के जार में रख देना है। धूप में कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद से वो पूरी तरह से अल्ट्रा रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेस से वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कीटाणु मुक्त हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, दवा खराब भी नहीं होगी। बाद में आप इसको पेशेंट के ऊपर यूज में कर सकते हैं। तो अगर जिनको, जो डी फार्मा के स्टूडेंट नहीं है और इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, दवा बनाने बनाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, दवा नहीं बना रहे हैं, तो वो ये नहीं करेंगे। और जिनको ये दवा चाहिए तो मार्केट से पतंजलि का आप संजीवनी बट्टी ले सकते हैं, और ये पेशेंट को आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार आप दे भी सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेड वाला जो नीचे बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो वीडियो आपको अब मिलेगी वो नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगी, आप आकर के आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप ये जो जानकारी है दूसरे तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा के अभाव में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं, जबकि आयुर्वेद में बहुत ही सस्ती दवाएं हैं और आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल भी है। आप किसी भी पतंजलि स्टोर से या आयुर्वेदिक किसी भी दुकान से आप ये ला सकते हो, और बुखार जो नहीं खत्म हो रहा है उसमें पेशेंट को आप ये दे सकते हैं चिकित्सक से पूछ करके। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।